हेलो दोस्तों, यदि आप प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और आप नए हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने नीलेश के साथ। इस वीडियो में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस होते हैं वो आदत बताने वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम किसी की आदत बताते हैं या किसी चीज़ की बारे में बताते हैं कि वह कैसे चलती है, क्या करती है, उसी की आदत बताते हैं, या व्यक्ति या इंसान की आदत बताते हैं, या फिर ऐसी क्रियाएं जो कि नियमित रूप से होती है, ऐसे कार्य जो कि डेली होते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। और सर्वव्यापी सत्य, जैसे कि सूरज पूर्व से निकलता है, तेल पानी पर तैरता है, तारे रात में चमकते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। फुल डिटेल के लिए आप पावरफुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स के वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और प्लूरल है तो एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं, और फिर अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डू या डज लगेगा, और फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और वर्ब के साथ ऐसे ही है, कुछ भी नहीं आता है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ब प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। तो ये है हो गए हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर या फॉर्मूलेस, एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में हम आदत बताने वाले सेंटेंस देखेंगे, जिसमें हम किसी की आदत बताएंगे कि वह कैसा है, कैसा करता है, क्या करता है। तो हैबिट्स वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने का तरीका वही होगा, पहले मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, उसके बाद आपको उसका इंग्लिश में बोलना है, और कुछ सेकेंड बाद आपको नीचे उसका इंग्लिश में आंसर दिख जाएगा, जिसे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अजय तेज गाड़ी चलाता है, तो अब आप आंसर बोलिए क्या होगा इसका इंग्लिश में। लड़कियों को बहुत डर लगता है। बच्चे शोर करते हैं। राजीव हमेशा झूठ बोलता है। छोटू सुबह लेट उठता है। कोहली अच्छा खेलता है।
रावण जोर से हंसता है। राम क्लास के बच्चों के साथ लड़ाई करता है। रिया नाखून चबाती है। गोगी रोता है। मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है। रवि रोज पढ़ाई करता है। पापा जी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। गुप्ता सर गणित पढ़ाते हैं। पापा 9 बजे ऑफिस जाते हैं। वह बहुत बात करती है। वह बहुत हंसती है। दादाजी दिन में 3 बार दवाइयां लेते हैं। मेरी मम्मी दिन में 2 बार चाय पीती है।
वह बहुत सिगरेट या बीड़ी पीता है या वह बहुत धूम्रपान करता है? विनय रोज पीता है, मतलब शराब पीने से है। रोहित तेजी से काम करता है। निखिल बैंक में काम करता है। उसे मिठाइयाँ पसंद हैं। उसे आइसक्रीम पसंद है। उसे बैंगन पसंद नहीं है। उसे आम पसंद नहीं है। वह जींस और टी-शर्ट पहनता है। वह साड़ी पहनती है। सर चश्मा लगाते हैं। सर धीरे धीरे बोलते हैं।
गोगी मोबाइल पर गेम खेलता है। आप YouTube पर वीडियो देखते हैं और सीखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू।